ग्राम मोरावन में आवास न मिलने से नाराज ग्रामीण उपचुनाव का बहिष्कार करने की कही बात। विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर जहां सत्ता दल पूरी ताकत झोंक रही है और चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत दर्ज कराने के बड़े बड़े नेता गांव गांव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रहे ग्रामीणों की शिकायत उनके इस मिशन पर ग्रहण लगाने का काम कर रही है। ये पूरा मामला है मोरावन में ग्रामीण शासकीय आवास न मिलने से बेहद गुस्साए हुए है और उपचुनाव में वोट न डालने के नारे लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है हम जाटव समाज से आते हैं, हम झोपड़ियों में रह रहे हैं, हमें आज तक कोई आवास नहीं मिला है। ऐसे ही कुछ गुर्जर समाज के नागरिक भी आवास न मिलने से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और विपक्ष में वोट करेंगे। अब देखना ये होगा कि उपचुनाव से पहले इन नाराज ग्रामीणों को संतुष्ट किया जाएगा या वोट डालने नहीं जाएंगे। राहुल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो हमको आवाज़ देगा मिलती है, अमीरों को आवाज मिलती है। जिस जगह आप अभी हैं मोरावन में, यहाँ पे अभी जाटव समाज के कुछ लोग थे और कुछ गुर्जर समाज के थे जिन्होंने नारे भी लगाए कि बहिष्कार करेंगे चुनाव का या विपक्ष में वोट करेंगे क्योंकि उन्हें आवास नहीं मिले हैं। क्या कहते हैं जी? नहीं, आवास का तो ऐसा विषय है सभी को मिल रहे हैं और जो नियमित अनुसार आवास है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं मिला तो मैं जाऊंगा बातचीत करके और उनको आवास मिलेंगे सबको। अभी आचार संहिता के दौरान तो उनको नहीं अभी आचार संहिता तो लगी है, उसमें तो कुछ काम होता ही नहीं है। अपने मुरैना सोपुर जिले में लगी आचार संहिता। इसके बाद क्या आप इनसे मिलेंगे चुनाव के बाद? हाँ, चुनाव के बाद इनसे मिलेंगे, उनकी जो भी समस्या होंगी उनकी समस्या का समाधान कराएंगे, आवास की समस्या तो आवास दिलवाएंगे। मेरा नाम मनोज कुमार जाटव। मनोज भाई, क्या परेशानी है इस मकान को लेकर? जी सर, परेशानी ये है कि देख, हमारी मम्मी एक तो अंधी हैं बिल्कुल भी। अच्छा। इनको बिल्कुल आवास भी नहीं मिला, हमको भी आवास नहीं मिला और हमारे जो साथी हैं उनको भी आवास नहीं मिला। तो आवास तो क्या है कि अब जनमन के आते हैं आदिवासी समाज के लिए, तो सर उन्हीं से वोट मांग लिए, हमसे वोट मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या वोट नहीं देना चाहते इस बार? वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे सर, जाएंगे नहीं वोट डालने। वोट डालने? हाँ नहीं जाएंगे, जब आवास का क्लियर नहीं हो जाएगा तब तो वोट डालने नहीं जाएंगे हम सर। बहिष्कार करोगे? हाँ बहिष्कार करेंगे जी। दादा क्या नाम है तुम्हारा? बालू जाटव। क्या दिक्कत है बताइए आवास को लेकर? दिक्कत यही है कि आवास नहीं मिली, सगन को आवास मिल गई, हम कच्ची बिन में झोंपड़ी में रह रहे हैं। क्या मकान नहीं है आपके पास? मकान पक्का नहीं है, कच्ची भी झोंपड़ी है, वैसी झोंपड़ी में रह रहे हैं और वोट मांग भी आ जाते हैं तो हम तो वोट नहीं दिए हैं। हाँ तो। हम तो वोट देंगे विपक्ष में। विपक्ष में दोगे? हाँ, जब तक कालो दिन नहीं मिलेगी जब तक हम वोट देंगे नहीं। बटो ना भैया, मुझको कालो नहीं मिली, देख लो तुम पाँव में दरियों में झोंपड़ी झोंपड़ी में रहती हैं। हाँ, वोट डालने जाती हैं आप? वोट डाल? हाँ, यहाँ तो ये ले जाते हैं भैया मोटरसाइकिल से बिठा रखे हैं। अच्छा। हम नहीं जाऊँगे, वो कालो नहीं मिल जाती तो मैं डर ही आती। मेरा नाम पहलवान है सर। पूरा नाम बताइए। पहलवान नहीं है, गुर्जर है। क्या परेशानी है आपको? आप कॉलोनी मालोनी कुछ नहीं मिली, ना राशन कार्ड ना कुछ भी नहीं है हमारे पास, परिवार को कुछ सरकार से हमारे को फायदा भी नहीं है, तो वोट डालने से फायदा को होगा का? मोरावन के रहने वाले? मोरावन के रहने वाले हैं। आज तक आवास नहीं मिला? ना मिले। पक्का मकान है क्या? कछु नहीं है, सांप झोंपड़ी है, सांप लटक रहे हैं। अच्छा, सांप पेड़ भी निकलते हैं? तो क्या क्या नाराजगी फिर आपकी? चुनाव भी है? अब चुनाव ये है कि हमें तो कॉलोनी आ जाएगी तो वोट मोट दे देंगे और नहीं कछु नहीं दे रहे हम। अभी तो कॉलोनी आई नहीं, आचार संहिता लग रही है। तो बाद में आएंगी, बाद में आ जाएगी तब ही जाएंगे हम तो। हाँ, हम नहीं जाएंगे, इन साल नहीं डालेंगे हम, इन साल डालेंगे नहीं वोट। बहिष्कार करोगे चुनाव का? हाँ, जितने वोट कटेंगे तो इतनी वोट ही काटेंगे बीजेपी की, हम छोड़े नहीं। झोंपड़ी में रह रहे जिंदगी निकल गई, हम वोट दे दे कहीं होते होगा। नीता जाटा, क्या परेशानी है यहाँ? क्या करोगे चुनाव में? विपक्ष में वोट देंगे। इनको वोट नहीं देंगे जो मंत्री बने हैं, उन्हें वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे उन्हें वोट? क्योंकि हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा ना।